को भी उन सनातन फोर्सेस को जो दंगे करवा रही हैं, जो नफरत फैला रही हैं, अगर उनके धार्मिक जुलूसों में भेजना बंद कर दें, अगर उनको आरएसएस बजरंग दल विश्व परिषद में जाने से रोकने में कामयाब हो जाएं, तो क्या ऐसा तो नहीं है कि सरकार के संरक्षण में ही आतंकवादी पैदा किए जा रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं है पर्टिकुलर माइंड सेट के लोगों को बाकायदा रिटायर्ड आर्मी के लोगों के द्वारा कहीं उनको ट्रेनिंग तो नहीं दी जा रही? चूंकि ऐसा क्यों है कि एक अपने आप को साधु बोलने वाला व्यक्ति उत्तराखंड में कहता है अभी हम तैयारी कर रहे हैं, हम पैरेलल आर्मी बना रहे हैं, उसके बाद हम कत्लेआम करेंगे, उनके शब्द हैं कि हम मुल्लों को उत्तराखंड में रहने नहीं देंगे, हम बौद्धों को और ईसाइयों को उत्तराखंड में रहने नहीं देंगे। वो मन में तो उसके सिख भी था, वो जानबूझ के नहीं बोला, चूंकि पहले एक को काटो फिर दूसरे को फिर तीसरे को फिर चौथे को भी काट लेना। तो ऐसे लोगों की गिरफ्तारी कभी होगी या नहीं होगी? तो ये आतंकवाद की ट्रेनिंग देने वाले इस तरह के लोग, उसमें भी क्या उनपे कार्रवाई करने से पहले उनकी जाति धर्म देखा जाएगा? देश में जो हेट स्पीचेस दे रहे हैं, हेट स्पीचेस देने वाले कितने लोग गिरफ्तार किए, और जो लोग हेट स्पीचेस के मामलों में गिरफ्तार हुए उनकी जाति और धर्म क्या है? तो आपको समझ आएगा कि जो केंद्र में सत्ता में बैठी पार्टी है उसके नेता सबसे ज्यादा हेट स्पीचेस खुलेआम दे रहे हैं। गेरुए कलर के कपड़े पहन के उनके सो कॉल्ड साधु खुलेआम भारत से मुसलमानों को, क्रिश्चियंस को और बौद्धों को कत्लेआम करने की बात खुलेआम बोल रहे हैं। तो उन लोगों पे हेट स्पीचेस का मुकदमा दर्ज करके उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा? जितने रिलीजियस प्रोसेसेंस निकलते हैं, धार्मिक यात्राएं निकलती हैं, उसके अंदर औजार हथियार ले जाकर लोगों को भयभीत करने की इजाजत कौन दे रहा है? कौन कौन सी सरकारों में इस तरह के जुलूस निकल रहे हैं? कौन सा पुलिस प्रशासन है जो उनको इजाजत देता है? और वहां तलवारें, नंगी तलवारें लहराने पर, तमंचे लेकर लहराने पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज क्यों नहीं हो रहा? अभी कांवड़ियों के द्वारा पीलीभीत के अंदर, कल ही समाचार, भारत समाचार की न्यूज है, कांवड़ियों के द्वारा 5051 बाइक पे एक यात्रा निकाली गई, और यात्रा जो लोग निकाल रहे थे उनके हाथों में तलवार और तमंचे लेकर वो निकाली, तो उनमें कितने मुकदमे दर्ज हुए, कितने लोग गिरफ्तार हुए? मैं पूछना चाहता हूँ, जितने भी दंगे होते हैं, दंगे करने वाले लोगों की कभी जाति पे चर्चा कर लीजिए, उनकी जाति क्या है, कौन उनका इस्तेमाल कर रहा है? धार्मिक जुलूसों में जो लोग हाथों में औजार हथियार लहराते हैं उनको आइडेंटिफाई कर लीजिए, उनकी जाति क्या है और वो किसके इशारे पे काम कर रहे हैं। खासतौर पर मैं मुस्लिमों को कहूंगा, आपको बुरा लगे तो लग जाए भाई, मुझे तो कहना है, आप लोग अपनी महिलाओं को इस आंदोलन में शामिल कब करेंगे? पहली बार आपने साइन बाग में किया, नाक में दम हो गया था। आपने संविधान हाथ में लेके शांतिपूर्वक तरीके से, ईमानदारी से संगठन चलाया, तो केंद्र सरकार को उल्टा पड़ गया। मतलब उनके लोग वहां औजार हथियार लहराने लगे, उन्होंने उसको तोड़ने के लिए क्या क्या नहीं किया? उन्होंने तो मुस्लिम युवाओं को हेट स्पीच देने के झूठे मुकदमे बनाकर जेल में डाल दिया, और उनको जमानतें नहीं मिल रही है। न्याय है कहां? न्याय की कुर्सी पर बैठने वाले व्यक्ति के चरित्र में अगर न्याय नहीं है, चाहे वो नीचे की जुडिशियरी का जुडिशियल ऑफिसर हो, चाहे माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जुडिशियल ऑफिसर हो, अगर उसके हृदय के अंदर न्याय की भावना नहीं है तो आप उससे न्याय की उम्मीद मत करना। लेकिन ध्यान रहे, ये लड़ाई विचारधारा की है, इस लड़ाई को औजार हथियार से नहीं लड़ा जा सकता। इस लड़ाई को अगर बुद्धि और विवेक से, ठंडे दिमाग से, शांतिपूर्वक तरीके से, भारतीय संविधान के हिसाब से अगर हम इस लड़ाई को लड़ेंगे तो इसको बहुत जीतना बहुत आसान है। ये यूसीसी कहने को नहीं बोल रहे, लेके आ सकते हैं, हालांकि वो प्रैक्टिकेबल नहीं है, चलेगा नहीं। अभी से उन्होंने जैसे हमने कहा, और वो मैं आपसे भी कह रहा हूँ, आप इस मुद्दे पर मुस्लिम आगे ना आए प्लीज, आप लोग पीछे रहिए, क्योंकि इसका असर आदिवासी पे बहुत पड़ने वाला है, अनुसूचित जाति पे बहुत पड़ने वाला है, उस पर सिख पे भी पड़ेगा। सिख संगठन इसके आ गया है, दलित संगठन इसके आ गया है, आदिवासी इसके आ गया है, उसके बाद पीछे फिर क्रिश्चियन और मुस्लिम भी पीछे आए। लगना चाहिए कि पूरे देश के लोग नहीं चाहते। क्या आप पगड़ी पहनने पे बैन लगा दोगे? आप हिजाब पे लगा रहे हो, अब पगड़ी पे भी कल को बैन लगाओगे, परसों आप महिलाओं को कहोगे कि आप जींस नहीं पहनेंगी, आप स्कर्ट नहीं पहनेंगी। यानी आपके मन में जो है, एक एक करके आप सारी चीजें लागू करोगे, यानी कि देश से संविधान को खत्म करके आप देश में मनुस्मृति लागू करोगे, और जिस दिन देश में मनुस्मृति लागू हो जाए, फिर से इस देश के शूद्र और अछूत, जिसकी संख्या लगभग 90% है, उनके पढ़ने लिखने पर फिर से बंदिश लग जाएगी, जैसा लगभग 2,500 साल तक लगी रही। फिर से उनके व्यापार करने पर धार्मिक बंदिश लग जाएगी। फिर से उनके संपत्ति रखने पर बंदिश लग जाएगी। तो ये कोई छोटा मोटा मुद्दा नहीं है। ये जो सोचते हैं वो बड़ी चालाकी से उसको लागू कर रहे हैं, इन पे मेजोरिटी हो या ना हो फिर भी उसको लागू करने में कामयाब हो रहे हैं, क्योंकि इसमें हम लोग की कुछ गलतियां हैं। उन्होंने जब वो अभी कल आपने संसद में बहस सुनी होगी, जिसमें देश के माननीय गृह मंत्री जी कह रहे हैं कि राज्यों
राज्यों पे ये चीज लागू नहीं हो सकती। केंद्र शासित प्रदेश पे तो फैसला लेने का अधिकार संसद को है, लेकिन राज्यों के मामले में नहीं ले सकते। मैं पूछना चाहता हूँ, जम्मू एंड कश्मीर को आपने यूटी बनाया ना, तो तब पूरे देश की पार्टियां चुप क्यों रही? तब विरोध क्यों नहीं किया? आपने क्यों नहीं सोचा कि अगर वो जेएंडके को यूटी बना सकते हैं तो किसी भी राज्य को वो इसी तरह अध्यादेश लाकर यूटी बना सकते हैं? लेकिन इसके लिए जरूरत है पहले तो समस्या को समझने की। अगर समस्या को ढंग से समझेंगे नहीं तो उसका इलाज करना आसान नहीं होगा। दर्द आपका भी है एक, हमारा भी वही दर्द है, आपका भी वही दर्द है, लेकिन दवाइयां अलग अलग ले रहे हैं। तो दवाइयां सब अलग अलग लेंगे तो इलाज तो होने वाला नहीं है। वो लोग बहुत ही रणनीतिक तरीके से हमारी हत्याएं कर रहे हैं। हत्या केवल वो नहीं होती कि उन्होंने आपको मार दिया और आपको सांस लेना बंद हो गया और आपको क्रीमेट कर दिया। हत्या वो दूसरे तरीके से कर रहे हैं आज। जैसे उन्होंने एजुकेशन को इतना महंगा कर दिया कि देश में 90% लोग आने वाले समय में एजुकेशन नहीं ले पाएंगे, वो खर्चा उठा ही नहीं पाएंगे एजुकेशन का। और 12वीं तक पढ़ा भी लिया तो कम से कम जो ग्रेजुएशन में, हायर एजुकेशन में, और उसमें भी जो प्रोफेशनल एजुकेशन है, उसका खर्चा इतना महंगा कर चुके कि भारत में 90% से ज्यादा लोग उस एजुकेशन का खर्चा उठाने में सक्षम नहीं है, उनके परिवारों में इतनी आमदनी नहीं है। दूसरी तरफ उन्होंने इलाज को इतना महंगा कर दिया कि आप अगर गंभीर बीमार हो जाएं तो पैसे के अभाव में आप इलाज नहीं करा पाएंगे, आपका मरना तय है। देश के अंदर न्यायालय हो, चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय हो, चाहे उच्च न्यायालय हो, चाहे हायर जुडिशरी हो, चाहे लोअर जुडिशरी हो, या इसके साथ साथ बाकी जो क्षेत्र हैं, आर्मी हुआ, पुलिस हुआ, ब्यूरोक्रेसी हुई, या तमाम तरह की जो शासन की अलग अलग जो किस्में हैं, उसमें उन्होंने उसको भी पोलराइज कर दिया, उसमें भी इतना जहर घोल दिया कि वहां भी आपको न्याय देने से पहले आपकी जाति और धर्म को देखा जाता है। अगर न्याय देने वाला व्यक्ति, न्याय केवल कोर्ट के माध्यम से नहीं होता बल्कि प्रशासन के माध्यम से भी न्याय होता है, तो न्याय देने वाला व्यक्ति अगर मन में यह तय कर ले कि मुझे न्याय केवल पर्टिकुलर धर्म में से भी पर्टिकुलर जातियों को देना है, इसका मतलब वो केवल 12% लोगों को सब कुछ देना चाहते हैं। देश के प्राकृतिक संसाधनों पर भी 10-12% लोगों का कब्जा है, देश की हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट पर भी 12% का कब्जा है, देश के सारे संसाधनों पर 12% का कब्जा है, और उसमें भी सबसे खतरनाक बात तो ये हो रही है जब लोग चारों तरफ से थक जाते हैं तो फिर वो कोर्ट का सहारा लेते हैं। पिछले दिनों मेरे ख्याल मार्च के महीने में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा एक जजमेंट आया कि कोई भी अगर हेट स्पीच देता है तो केंद्र सरकार व राज्य सरकारों की और पुलिस की जिम्मेदारी है कि हेट स्पीच देने वाले लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उनको गिरफ्तार करें। पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूँ इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, चूंकि आज के डिस्कशन को लिपिबद्ध करके देश के राष्ट्रपति जी के पास भी भेजा जाए, देश के प्रधानमंत्री जी के पास भी भेजा जाए और उनसे पूछा जाए कि सर्वोच्च न्यायालय के इस जजमेंट को आज तक लागू क्यों नहीं किया गया। रणनीति की चर्चा में कुछ ठोस डिसीजन लेकर उसके इम्प्लीमेंटेशन पे भी कुछ करेंगे या केवल चर्चा करके चले जाएंगे, इस पे भी चिंतन करना होगा। क्योंकि जो लोग सारे चीजों को तंत्र पे जिनका कब्जा है, उस कब्जे के लिए जिम्मेदार कौन है? मुझे लगता है कि इसका अगर सही मुकम्मल जवाब देना है, अगर इस चीज को पूरी तरीके से रोकना है, अगर भारत के संविधान व प्रजातंत्र को बचाना है, तो इस मीटिंग में केवल माइनॉरिटीज को बुलाना उचित नहीं है, इसमें SC ST और OBC के प्रतिनिधियों को भी बुलाना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि इन सारे धार्मिक जुलूसों में जो लोग औजार हथियार लहराते हैं, जिनका दंगों में इस्तेमाल किया जाता है, और दंगे के बाद जो जेल जाते हैं और जो बर्बाद होते हैं, आप अगर उसका आंकड़ा उठाकर देखेंगे तो 90% से ज्यादा उसमें SC ST और OBC के युवा मिलेंगे। तो पहले तो ये आंकड़ा देख लीजिए कि भी SC ST OBC माइनॉरिटीज की पॉपुलेशन क्या है। जैसा आप बता रहे थे कि भी 20% माइनॉरिटीज के लोग हैं, तो क्या 20% में 17% को भी हम एकजुट कर सकते हैं? पहला सवाल, अगर हमने 20 में से 17 को एकजुट कर लिया कि ये 17% लोग अब इस देश के संविधान और प्रजातंत्र को बचाने के लिए एकजुट होकर एक राय से काम करेंगे मिलकर, SC और ST दोनों को अगर जोड़ लिया जाए तो इनकी जनसंख्या कम से कम 28% है। इस 28% में से 20% भी अगर ऐसी फोर्सेस का साथ देना बंद कर दें, हम उनको रोक पाए कि हमारे SC ST OBC के बच्चे, अगर ये SC और ST के 28% बच्चे या पूरी पॉपुलेशन का 28% में से अगर हम 20% को भी उन सनातन फोर्सेस को जो दंगे करवा रही हैं, जो नफरत फैला रही हैं, अगर उनके धार्मिक जुलूसों में भेजना बंद कर दें, अगर उनको RSS बजरंग दल विश्वहिंदू परिषद में जाने से रोकने में कामयाब हो जाएं, और ओबीसी की जनसंख्या अदर देन मुस्लिम ओबीसी वो तकरीबन 42% है, अगर उस 42% को में से हम आधे को भी रोकने में कामयाब हो जाए, 21% को भी, तो आपको पता लगेगा कि ये RSS बजरंग दल विश्वहिंदू परिषद की नफरत की दुकानें बंद हो जाएंगी, वो चलेगी नहीं।
क्योंकि कहीं भी आप देखिएगा दंगे में इनके नेता जिनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं या फिर भारत की बड़ी यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं, वो बच्चे कभी दंगों में इस्तेमाल नहीं होते, वो बच्चे कभी धार्मिक जुलूसों में भी नहीं जाते, ना इनके नेताओं के जाते, ना इनके अफसरों के जाते, ना इनके व्यापारियों के जाते। तो जिस दिन इनके धार्मिक जुलूसों में इनकी आरएसएस बजरंग दल विश्व परिषद में आरएसएस के अंदर इनके तीनों संगठनों के अंदर एससी एसटी और ओबीसी के लोग जाना बंद कर देंगे, उस दिन इनकी नफरत की दुकान मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं बंद हो जाएगी। हम लोग उन पे काम करने की बजाय कि उनको कैसे सुधारें जो लोग उत्पीड़न कर रहे हैं, उस पे काम करने की बजाय हम लोग इस पे काम करें। आप आज ही इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में संकल्प कीजिए कि अगर मुस्लिम के साथ जुल्म होगा तो सिख भी, दलित भी, आदिवासी भी, पिछड़ा भी, सब लोग उनके साथ खड़े होंगे। उसी तरह अगर दलित के साथ हो या आदिवासी के साथ हो तो उसका विरोध भी हम सब लोग मिलकर एकजुट होकर, ये टीम जो आज इस सभागार में बैठी है, अगर ये टीम के लोग ही ये संकल्प ले लें कि हम दिल्ली में भी और पूरे देश के गांव गांव में इस मूवमेंट को, इस मुहिम को और आज की इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के मुद्दों को घर घर तक पहुंचाने का संकल्प लेते हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं 2024 में ये संविधान विरोधी, तानाशाही, नफरत फैलाने वाली सरकार दफन हो जाएगी। आज दिल्ली के लोग उम्मीद ना करें कि आप किसी को भविष्य में चुने और वो वादा जो आपसे करेगा उसको लागू कर पाएगा, क्योंकि जब पूरी पावर उन्होंने दे दी मतलब होम मिनिस्ट्री को, उपराज्यपाल के माध्यम से होम मिनिस्ट्री सारे फैसले लेगी, तो दिल्ली में भी कोई चुना हुआ कोई मुख्यमंत्री बन जाए, मंत्री बन जाए, उनकी कोई वैल्यू नहीं है, वो कोई निर्णय नहीं ले पाएंगे। तो ये किसी भी राज्य के साथ हो सकता है, इसलिए हमें भारत के संविधान को ध्यान में रख के और भारत के संविधान को कैसे मजबूती से लागू करवाएं इस पे एक राय बनाकर आज कुछ एजेंडे आप तय कीजिए और उसके साथ फिर ये भी तय कीजिए कि हम सब लोग अलग अलग धर्म के जाति के लोग अपने समाज के अंदर नुक्कड़ मीटिंग लें अपनी कॉलोनियों में, गांव में, बस्तियों में, और वहां इस आज के एजेंडे को वहां भी चर्चा करें ताकि उनको पता तो चले, आप और हम यहां एक दूसरे को भाषण देके चले जाए और आप और हमारे बच्चे वहां गली में मतलब नशा कर रहे हैं या कोई गलत काम में इन्वॉल्व है या अपराध में इन्वॉल्व है और पढ़ने लिखने पर ध्यान ही नहीं दे रहे, तो बर्बादी का कारण हम भी है ना। हम कौन सा अपने बच्चों के भविष्य पे गंभीरतापूर्वक सोच रहे हैं कि हमारा बच्चा पढ़ने क्यों नहीं जाता, हमारा बच्चा गुंडों के साथ क्यों घूम रहा है, हमारा बच्चा नशा क्यों कर रहा है, मतलब हम लोग काफी हद तक खुद जिम्मेदार हैं। तो अपनी जिम्मेदारी, अपनी गलती को दूसरे पे ना डालें, लेकिन साथ ही साथ जो दूसरे लोग हमारे बच्चों का इस्तेमाल करके, एससी एसटी ओबीसी का इस्तेमाल करके हमारे ही बच्चों का गला काट रहे हैं, हमारी हत्याएं कर रहे हैं, हत्या जैसे मैंने पहले बताया, हत्या केवल ये नहीं है कि आपको गला काट दिया, गोली मार दिया, मर गए, हत्या ये भी है जब आप पढ़ाई लिखाई आपको मिलेगी नहीं, रोजगार आपको मिलेगा नहीं, 10-20 किलो अनाज मिलेगा ताकि आप जिंदा रहें, तो वो भी मरे के समान है, वो कोई जिंदे के समान नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद करता हूं और साथ में निवेदन करता हूं कि प्लीज अब तो कम से कम एकजुट हो जाओ। मैं पहले सुना करता था लोग, कई बार मैंने किसी शायर ने लिखा, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, कुछ लोग तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। मैं अब उसकी लाइन को थोड़ा सा बदल रहा हूं, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में लेकिन अब सरकारें तरस नहीं खा रही बुलडोजर चलाकर लोग के घर गिराने में। अरे सोच के देखो, एक मकान बनाने में कितना पैसा लगता है, अगर बड़ी बिल्डिंग बनाओ तो करोड़ों रुपए लगता है, छोटी बिल्डिंग बनाओ तो लाखों रुपए लगता है, और आप सीधा बुलडोजर चला के उसके मकान को ध्वस्त कर देते हैं। कभी सोचा उसका मकान फिर कभी बनेगा नहीं बनेगा, आप तो बर्बाद कर रहे हो। ये मतलब एक माइंड सेट है, ये केवल छोटा मोटा नफरत नहीं है, ये आपको जड़ से खत्म कर रहे हैं और आप अभी हवा में चर्चा कर रहे हो, जमीन पे उतरने की जरूरत। हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे, होके मायूस ना यूं शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए, एक ही पांव पे ठहरोगे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही राह पे चलते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, जय भीम।